दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आपका। मित्रों, आज हम बात करेंगे स्कूल इंटर्नशिप के लिए किस प्रकार से यूज़र आईडी पासवर्ड प्राप्त करेंगे और किस तरीके से हम स्कूल चॉइस मोबाइल के माध्यम से या सिस्टम के माध्यम से हम भर सकते हैं। तो सबसे पहले देखें, आप शाला दर्पण पे जाना है हमें, ये इसकी ओरिजिनल वेबसाइट है। और यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है कैंडिडेट लॉगिन की। तो जैसे ही आप कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो ये विंडो आपके सामने ओपन हो गई। तो यहाँ आप देखेंगे विंडो जैसे ओपन होगी तो यहाँ पर आपको आईडी और पासवर्ड डालने की आवश्यकता होती है। लेकिन आईडी पासवर्ड आपको कैसे प्राप्त होंगे तो हम यहाँ देखेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आईडी पासवर्ड लेने के लिए फॉरगेट पासवर्ड पर जाना है। जैसे ही आप फॉरगेट पासवर्ड पर जाएंगे तो यहाँ पर आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट है आपकी, जिसमें आप पढ़ रहे हैं, जिस कॉलेज में, तो यहाँ हम जैसे अलवर डालेंगे। उसके बाद में आप कौन सा कोर्स है, बीए बीएड है, बीएससी बीएड है या फिर बीएड है, तो हम कोर्स को सिलेक्शन करेंगे। कौन सी कॉलेज है आपकी, तो आप कॉलेज का सिलेक्शन करेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे कौन सा सत्र आपका है, तो वर्तमान जो सत्र है वो 2021-2022 इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके पश्चात आपको आपके नाम के एंटर फर्स्ट टू करेक्टर ऑफ योर नेम, तो आपके दो अक्षर के जो फर्स्ट के नाम है वो आप यहां पर डाल देंगे। यहां ध्यान रखें, ये जो कैप्चा कोड है इसको बहुत ही सावधानी से आपको यहां पर टाइप करना है ताकि आपका समय भी ख़राब न हो और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आप यहां पर क्लिक कर दें। जैसे ही सर्च पे ऑप्शन पे आप यहां पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आपके ये इस नाम की पूरी लिस्ट आपके कॉलेज में जो जो भी हैं वो आपको यहाँ पर लिस्ट दिखाई देगी। उसके पश्चात जो आपका नाम है, सपोज़ करें आपका नाम यहाँ है, तो आपके मोबाइल नंबर के अंत के जो अक्षर हैं, चार अक्षर अल्फ़ाबेट यहाँ पर आपको दिखेंगे, तो चार यहाँ पर गेट यूज़र नेम पासवर्ड पर आप क्लिक करेंगे और फिर आपका जो मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर डाल देंगे और यस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यस पर क्लिक करते हैं आपके मोबाइल पर ओटीपी जाएगी। ओटीपी आते ही आपको यहाँ पर अपनी जो ओटीपी है उसको यहाँ पर आपको डालना है। तो 7 अंकों की जैसे ओटीपी डालेंगे आप उसको वैलिडेट करते हैं। वैलिडेट करने के पश्चात आप देखेंगे ये आपका यूज़र आईडी, ये आपका पासवर्ड, ये आपके जो मोबाइल है उसके ऊपर चला गया है आईडी और पासवर्ड। फिर आप उसको यहाँ से क्लोज कर देंगे तो अब आप देख पाएंगे कि आपके मोबाइल पे यूज़र आईडी पासवर्ड आ चुके हैं। अब हम यहाँ जाएंगे कैंडिडेट लॉगिन पे। तो जैसे ही आप कैंडिडेट लॉगिन पर जाएंगे तो आपकी जो आईडी है वो आपके मोबाइल पर आ चुकी है। अब आपको यहाँ पर आपकी आईडी डालनी है तो आप यहाँ पर आईडी डाल देंगे। उसके बाद में आप अपने यहाँ पासवर्ड डाल देंगे। फिर जो ये कैप्चा कोड है इसको आप सावधानीपूर्वक, जैसे ही आप कैप्चा कोड यहाँ पर फिलअप करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करते ही आपके सामने ये आपका चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। तो जो मोबाइल में आपके ओटीपी आई है, पासवर्ड आया है ओल्ड पासवर्ड, वो ओल्ड पासवर्ड यहाँ पर डालना है। उसके पश्चात आप एक न्यू पासवर्ड जनरेट यहाँ पे कर लें। तो मित्रों, आपको यहाँ पर जो आपकी आईडी पासवर्ड आपने जो नया जनरेट किया है उसको आप यहाँ पर डाल देंगे और सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे पासवर्ड अपडेट सक्सेसफुली, अब आपका नया पासवर्ड जो है वो आपका नया जनरेट, ओके पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको वापस से इस पे लॉगिन पर क्लिक करना है और जो आपका न्यू पासवर्ड आपने बनाया है वो न्यू पासवर्ड इसमें फिलअप करना है। तो आप यहाँ पे अपनी आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद में आप यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड है उसको इसमें डाल देंगे। जैसे ही आप कैप्चा कोड इसमें फिलअप करेंगे, लॉगिन करेंगे, तो आप यहां पर देखेंगे आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपके कॉलेज का नाम, ये अब सब कुछ यहां पर आ चुका है। तो यहां पर जो निर्देश है वह भी आपको यहां पर दिखाई देगा। उसके पश्चात आप यहां पर देखेंगे जैसे कैंडिडेट प्रोफाइल, उसके बाद में ये एक ऑप्शन आएगा इंटर्नशिप रिक्वेस्ट, यहां पर क्लिक करेंगे। इंटर्नशिप रिक्वेस्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। सर्च बटन पर आप क्लिक करेंगे, उसके पश्चात आप यहां पर देखेंगे यहां पर स्टूडेंट चॉइस, यहां पर क्लिक करने के पश्चात में
ये एक प्रोफाइल आपके सामने ओपन होगी, गो पर क्लिक करेंगे और गो पर क्लिक करने के पश्चात आप यहाँ पर प्लस पर जाएंगे और उसके पश्चात जो भी आपका मीडियम रहा है उस मीडियम पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ओके बटन पर क्लिक करने के पश्चात में अब आपका सपोज करो कि जैसे अलवर डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक आपका बहरोड़ है, ठीक है, तो ये पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर क्लिक करेंगे, ऐड पे सर्च बटन पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से आप एक एक स्कूल का नाम यहाँ पर सर्च करते जाएं, ऐड करते जाएं, सर्च करते जाएं और ऐड करते जाएं। तो मित्रों आप देखेंगे 15 जो स्कूलों के नाम हैं वो आपको फिल करने हैं, उसके पश्चात आप यहाँ पर इसको सेव कर दें और इसकी जो अंतिम तिथि है वो 23 जून जो आपको दे रखी है, तो इसलिए आप ध्यान रखें 23 तारीख से पूर्व आप इसमें कोई चॉइस अगर चेंज करना चाहते हैं तो वह चेंज भी कर सकते हैं, और यदि आप चॉइस चेंज नहीं करना चाहते और आप यदि चाहते हैं कि मैं इसके अंदर कोई बाद में हम इसको लॉक करना चाहें तो बाद में भी लॉक कर सकते हैं, नहीं तो लास्ट डेट पर ऑटोमेटिक ये लॉक हो जाएगी। तो प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को न्यूनतम 15 विद्यालयों का चयन करना है, अधिकतम आप 20 विद्यालयों का चयन कर सकते हैं। नीचे दिए गए ऑप्शन में जिला ब्लॉक पर आप अपनी चॉइस किसी भी विद्यालय को प्राथमिकता से चयन कर सकते हैं। ऐड स्कूल बटन पर उपयोग करें और किसी भी एंट्रेंस की चॉइस भरने की न्यूनतम सीमा 15 जबकि अधिकतम 20 है। तो इस तरह से आप अपनी यूज़र आईडी प्राप्त करके मन इच्छित विद्यालय का चयन आप कर सकते सबमिट कर सकते हैं। तो मित्रों ये था हमारा विद्यालय किस तरीके से भरना है, इंटर्नशिप के लिए हमें यूज़र आईडी कैसे प्राप्त किए। वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल है तो इसको शेयर लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।